आंध्र प्रदेश की हुकूमत से चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी से इस बात का मुतालिबा करता है कि पहली अप्रैल से जो एनपीआर का काम शुरू होने जा रहा है, हम आंध्र प्रदेश की हुकूमत से चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि आप आंध्र प्रदेश में एनपीआर पर स्टे लगाइए। एनपीआर पर स्टे लगाना बहुत जरूरी है। हम जगनमोहन रेड्डी से इस बात का मुतालिबा भी करते हैं कि आप आंध्र प्रदेश को तरक्की कराना चाहते हैं, आप आंध्र प्रदेश को एक बेहतरीन रियासत बनाना चाहते हैं, हम तमाम भी वही चाहते हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आपका नाम आपके वालिद से ज्यादा रोशन हो, राजशेखर रेड्डी से ज्यादा आपका नाम रोशन हो। और मैं चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से कहना चाहूंगा कि अगर आज राजशेखर रेड्डी जिंदा होते तो राजशेखर रेड्डी 2 मिनट नहीं लेते एनपीआर पर स्टे लगाने के लिए। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर से दोबारा यह मुतालबा करते हैं कि 1 अप्रैल से आप एनपीआर पर स्टे लगाइए। ये एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी कैसा भी होगा, और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जो माहिरीन ने लिखा है, एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि अगर भारत में एनआरसी होगा तो मिनिमम कम से कम 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। 8 करोड़, आप अंदाजा लगाइए, अगर 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे, उनको कहां रखेंगे आप, उनका क्या हाल होगा, उनको भारत की शहरियत छीन ली जाएगी, उनके हुकूक छीन लिए जाएंगे, उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं होगा। और इसीलिए हम तमाम लोग, चाहे तेलंगाना की हुकूमत हो, चाहे आंध्र प्रदेश की सरकार हो, हमारा मुतालिबा है कि एनपीआर पर स्टे लगाइए। एनपीआर पर स्टे केरला की हुकूमत की तरह लगाइए, ताकि ये एनपीआर और एनआरसी ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, ना सिर्फ दलितों के खिलाफ है, ना सिर्फ आदिवासियों के खिलाफ है, क्रिश्चियंस के खिलाफ है, बल्कि एनपीआर और एनआरसी हर गरीब के खिलाफ, भारत की हर गरीब के खिलाफ है। और वजीर आजम और होम मिनिस्टर दोनों पूरे भारत से झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज भी अमित शाह होम मिनिस्टर कोलकाता में तकरीर करते हुए कहा कि CAA से किसी भी मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं छीनी जाएगी। होम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आसाम में एनआरसी हो चुका है, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के एनआरसी को मॉनिटर किया, आसाम में एनआरसी हो गया, 19 लाख लोग के नाम नहीं आए।